बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमएस के बर्ड्स एंड एनिमल चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपको अपने असील मुर्गों के लिए, देसी मुर्गों के लिए, ऑस्ट्रोलॉप के लिए, तमाम मुर्गियों के लिए एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा लेकर आया हूँ। ये आप वैक्सीन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और सस्ता तरीन, तकरीबन 2 से 3 रुपए इस एक मुर्गे के ऊपर खर्चा आ जाता है। अगर आप हफ्ते के अंदर आप या 2-3 दिन के अंदर आप एक बार इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियों के नज़दीक रानी खेत और उनके जो है किसी किस्म की कोई भी बीमारी नज़दीक नहीं आएगी, रानी खेत नहीं आएगी, गम्बोरो नहीं आएगी। इंशाल्लाह ये बेहतरीन किस्म का जो है नुस्खा है। नुस्खा क्या है ये आप देख सकते हैं, मैंने गुड़ लिया हुआ है, पुराना गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लहसुन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन आपको नज़र आ रहा है, मैं देसी लहसुन इस्तेमाल करता हूँ अपनी हर वीडियो में, मैं देसी लहसुन इस्तेमाल करता हूँ। आप दूसरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन देसी लहसुन बेहतरीन चीज़ है। तो ये नुस्खा दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली तरीके से मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि ये पहले तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास जो है ऑस्ट्रोलॉप मुर्गा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास ऑस्ट्रोलॉप मुर्गा है, ये बिल्कुल ठीक मुर्गा है, इसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ से पकड़ूंगा और मैं 2 फलियाँ ले लेता हूँ, 2 पीस ले लेता हूँ लहसुन के, ठीक है। ये मैं लहसुन के 2 पीस ले लेता हूँ और इसका मुँह खोल लेता हूँ इस तरह अपने हाथ में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका मुंह इस तरह से खोल लेंगे, इसके मुंह के अंदर हम दोनों पीस इकट्ठे डाल देंगे। इनका मुंह बड़ा होता है ऑस्ट्रोलॉप मुर्गों का, हम इस तरह से इसके मुंह के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा गुड़ हम डाल देंगे ताकि रेशा और गला अगर ख़राब हो, रेशा हो, अगर हाजमे को कोई मसला हो तो तकरीबन इतना सारा गुड़ हम डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा हम गुड़ डाल देंगे, मतलब जितना लहसुन की गुठली होती है, लहसुन का जितना पीस होता है, फली होती है, उतना सा हम गुड़ डाल देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पहला तरीकाकार ये हो गया कि हम इस तरह से डाल सकते हैं। अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम दूसरे तरीकाकार की तरफ चलते हैं कि दूसरे तरीके से हम मुर्गियों को किस तरह की तरीके से डाल सकते हैं। अभी हम जो है लहसुन क्या करेंगे, लहसुन को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये मैं हावन दस्ते के अंदर लहसुन को डाल रहा हूँ। हावन दस्ता, ये हमारा दस्ता होता है और ये हावन होता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नाम नहीं आता, हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो इन चीज़ों का नाम उनको नहीं पता, तो आपकी मालूमात के लिए ये हावन दस्ता होता है। तो हम इनको जो है अच्छी तरह से पीस लेंगे, ठीक है, लहसुन को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। जब हम लहसुन पीस लेंगे, अच्छा ये नुस्खा लोग सिर्फ और सिर्फ अकेला लहसुन इस्तेमाल करते हैं, पिलाने के लिए लहसुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पता क्या रिकमेंड करता हूँ कि मैं कहता हूँ लहसुन के साथ साथ गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गुड़ मुर्गियों के अंदर अगर हाजमे का कोई मसला होता है या गले में खर खर की आवाज़ होती है तो मुर्गियाँ एक तो शौक़ से पीती हैं, मीठी चीज़ को मुर्गियाँ शौक़ से पी जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता और मुर्गियाँ पी जाती हैं। अभी मैं गुड़ डाल देता हूँ, तकरीबन मैं कितना गुड़ डालूंगा, लहसुन के हिसाब से गुड़ डालना है, जितना आप लहसुन डालेंगे तकरीबन उतना ही आपने गुड़ डालना है या उससे थोड़ा सा कम डाल लेना है। ये मुर्गियों को फिर ये नहीं होता कि कुछ मुर्गियाँ पानी पी जाती हैं, जो आदी होती हैं वो पी जाती हैं, कड़वा पीने वाली आदी होती हैं वो पी जाती हैं, और कुछ मुर्गियों जो होती हैं वो नहीं पीती, तो वो मीठे को जो है समझ के, मीठा मीठा समझ के वो पी जाती हैं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि लहसुन भी होता है, क्योंकि लहसुन एक बेहतरीन किस्म की एंटीबायोटिक है, ये तो हर कोई जानता है। रही ये रानी खेत, अगर आपकी मुर्गियाँ बीमार हैं तो भी ये आप डाल सकते हैं, और अगर आपकी मुर्गियाँ ठीक हैं तब भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पानी डाल लेंगे तो इस तरह का कुछ पेस्ट बन जाएगा। ये फिर हम इसको छान लेते हैं अपने कपड़े के साथ, हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह से ताकि मुर्गियों को मसला ना बने। तो दोस्तों इस तरह की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं बड़े बड़े नुस्खे, महंगे तरीन नुस्खे भी बताता रहता हूँ, उसके बाद जो है सस्ते तरीन नुस्खे भी बनाता रहता हूँ, उसके बाद हर किस्म के मैं नुस्खे अपने चैनल के ऊपर बनाता रहता हूँ। तो जब आप वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम नुस्खे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में तकरीबन बहुत ज़्यादा असील नुस्खे बने हुए हैं, इनक्यूबेटर की वीडियोज़ बनी हैं। अभी आपने क्या करना है, इस तरह का आपने कपड़ा ले लेना है, इस कपड़े के ऊपर आपने इस तरह से डाल देना, ठीक है। तो ये आप जितना पानी होगा ये पानी सारा नीचे चला जाएगा, ठीक है, और जो होगा इसका जो बचा कुचा माल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अभी मैं इसको इसके अंदर रख देता हूँ, ये भी वीडियो के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये बेहतरीन किस्म का पानी बन चुका है, ये एंटीबायोटिक हाजमे के लिए बेहतरीन पानी है। तो ये छोटा सा
नुस्खा भी इसको कह सकते हैं, वैक्सीन भी इसको कह सकते हैं। ये आप लाजमी इस्तेमाल किया करें, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, हफ्ते बाद, कम अज़ कम आप हफ्ते बाद लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।